हेलो बच्चों, तो आज एसएमसी में आपके लिए लाया हूँ एक बेहतरीन चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स एंड आर्क लेंथ। ठीक है, तो बच्चों आज इस चैप्टर में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हम लोग सीखेंगे, जिसमें हम लोग सीखेंगे एंगल्स, डिग्री मेजर, रेडियन मेजर और रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन सीखेंगे बच्चों, और लास्ट में हम लोग सीखेंगे नोटेशन कन्वेंशन। तो इतनी सारी चीज़ें जो बेहतरीन चीज़ें आज तक आपको यूट्यूब पर नहीं मिली होगी बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और लास्ट तक इसे जरूर देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो और काफ़ी कुछ सीखने मिलेगा इसमें आपको। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं एंगल। एंगल किसे कहते हैं? यहाँ पर एंगल की बात करें तो यहाँ पर एक डिफिनेशन दिया हुआ है, एन एंगल इज मेड अप ऑफ टू रेज विथ कॉमन एंड पॉइंट। जब भी एक कॉमन एंड पॉइंट से दो रे निकलती है, जो दो अलग दिशाओं में जब रे निकलती है तो वहाँ पर एक आर्क बनता है। चलिए एक एंगल मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ। सपोज ये एक मेरा एक रे है, ठीक है, यहाँ से निकला, और सेम रे एक यही सेम पॉइंट से एक और रे यहाँ पर निकलता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो मेरा पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर एक कॉमन पॉइंट मुझे मिला, ये पॉइंट है मेरा ओ मान लेते हैं इसे, ये मेरा कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो जहाँ से स्टार्ट होता है रे, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इसलिए हम ओ को जो है बच्चों यहाँ पर बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, वर्टेक्स नाम इसे हम लोग बोलते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर मान लेते हैं ये पहला एंगल है, यानी कि स्टार्टिंग जो इनिशियल जो साइड होता है उसे हम लोग बोलते हैं इनिशियल साइड। ओ ए जो है मेरा यहाँ पर क्या है बच्चों, यहाँ पर ओ ए जो है मेरा इनिशियल साइड है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप लोग इसे नोट्स बनाते जाइए बच्चों। यहाँ ओ ए जो है ये जो है मेरा इनिशियल साइड है। ठीक है, चलिए यहाँ से एंगल स्टार्ट होता है, यानी कि यहाँ पर जो है 0 डिग्री है, और 0 डिग्री से क्या होता है एंगल मेरा बढ़ना शुरू होता है बच्चों। कौन से डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। देखिए यहाँ पर ये आप ये प्रोटेक्टर में भी देख सकते हैं, यहाँ पर जो एंगल है यहाँ मेरा 0 डिग्री, यानी कि स्ट्रेट लाइन में यहाँ पर 0 डिग्री, और यहाँ से एंगल जो है इस दिशा में बढ़ना शुरू होता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, इस तरह से बढ़ना शुरू होता है बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों यहाँ पर मैं आपको यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, एंगल जो है इस दिशा में बढ़ता है और यहाँ पर बढ़ते बढ़ते ये एंगल यहाँ तक आ गया, यानी कि डायरेक्शन क्या है बच्चों, यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज है, घड़ी की विपरीत दिशा में ये एंगल बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एंगल जो है मेरा यहाँ पर बढ़ता है। तो यहाँ पर मैं बताने की ये कोशिश कर रहा हूँ, जब दो रे यहाँ पर मिलकर एक सेम एंगल यहाँ पर बनाता है, यहाँ पर थीटा बनता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एंगल। ठीक है, कॉमन एंड पॉइंट जिसका यहाँ पर ये वो जो है कॉमन वो पॉइंट है। ठीक है, और यहाँ पर इसे अगर बी मान लें तो ओ बी जो है मेरा, ओ बी ये मेरा टर्मिनल साइड है बच्चों। ठीक है, टर्मिनल साइड है। ठीक है, ओ बी जो है मेरा यहाँ पर क्या है बच्चों, टर्मिनल साइड है। ठीक है, तो यहाँ पर ओ ए है मेरा इनिशियल साइड और ओ बी जो है मेरा टर्मिनल साइड है, और ये दोनों मिलकर एक यहाँ पर आर्क बना रहे हैं, यहाँ पर एंगल यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, इसी को बोलते हैं एंगल बच्चों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं साइन ऑफ एंगल। ठीक है, साइन ऑफ एंगल में बात करें तो कोई एंगल जो है वो मेरा पॉजिटिव हो सकता है या कोई एंगल मेरा निगेटिव हो सकता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखते हैं कौन सा पॉजिटिव होगा और कौन सा निगेटिव। तो बच्चों देखिए, जब भी मैंने आपको जैसे अभी बताया कि जब भी एंगल जो है ये मेरा मूव करेगा एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज जब ये मूव कर रहा है तो एंगल जो मेरा बनेगा वो मेरा बनेगा बच्चों पॉजिटिव एंगल यहाँ पे बनेगा। ठीक है, जब भी मेरा एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगा, जब भी एंटी क्लॉकवाइज, तो ये मेरा एंगल जो होगा साइन होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में पॉजिटिव एंगल बनेगा, मतलब +90 डिग्री, +60 डिग्री। ठीक है, इस तरह से मेरा एंगल बनेगा। लेकिन जब भी एंगल का मूवमेंट नीचे की ओर से होगा, यानी कि क्लॉक की, देखिए जैसे यहाँ पर मैं बता रहा हूँ ये क्लॉक की दिशा में चल रहा है, यानी कि क्लॉक की घड़ी जो है, काटे की सुई जो है, ये क्लॉक की दिशा में मूवमेंट कर रहा है, इस डायरेक्शन में जब भी ये मूव करेगा तो यहाँ पर जो होगा बच्चों, यहाँ पर होगा मेरा क्लॉक वाइज डायरेक्शन, यानी कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जब भी मूव करता है तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, निगेटिव एंगल बनेगा, यानी कि -50 डिग्री, -60 डिग्री, -30 डिग्री, इस तरह से मेरा एंगल क्रिएट होगा। ठीक है, अब बात करेंगे हम लोग बच्चों मेजरिंग ऑफ एंगल्स की, यानी कि हम लोग किस कितने प्रकार के हमारे पास एंगल देखने को मिलते हैं, जनरली हम क्या क्या नाम से उन्हें जानते हैं, चलिए उसे बात कर लेते हैं। ये मेरा वर्टेक्स है, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मेरा स्टार्टिंग एंगल जो है ये 0 डिग्री है। ठीक है, 0 से जब हम ऊपर की ओर जाएंगे ये वाला, ये मेरा 90 डिग्री हो जाएगा, फिर ये मेरा 180 डिग्री हो जाएगा, फिर ये मेरा जो है 270 डिग्री हो जाएगा, और अगेन फिर ये मेरा एंगल जो है 360 डिग्री हो जाएगा, और इसी तरह से एंगल जो है बढ़ते जाता है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में जब हम पॉजिटिव की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि किस एंगल को क्या नाम से बुलाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए जब ये 0 एंगल पे है, इसे 0 डिग्री बोलते हैं हम लोग। ठीक है ना, यहाँ 0 डिग्री से ये एंगल जो है स्टार्ट होना शुरू हुआ, उसके बाद जो है ये वाला एंगल जो है बच्चों,
एंगल जब बढ़ता है तो जब भी 0 और 90 के बीच में जब भी कोई एंगल रहेगा बच्चों, उसे हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे लिख भी देता हूँ आपको, आप इसे नोट कर लीजिएगा कॉपी में। एक्यूट एंगल क्या होता है बच्चों? एक्यूट एंगल जो होता है वो 0 से या 0 के इक्वल होता है, लेकिन 90 डिग्री से हमेशा वो छोटा होता है। तो देखिए, यहाँ 90 से कम कहीं भी एक एंगल होगा 0 से 90 के बीच में, उसको हम लोग बोलेंगे एक्यूट एंगल। 90 डिग्री पे होगा तो 90 डिग्री एंगल पर कहेंगे हम लोग। ठीक है, और अगर 90 से 180 के बीच में अगर ये एंगल रहेगा, 90 से 180 के बीच में, तब हम इसे बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे बच्चों? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या होगा? 90 डिग्री से ज्यादा होगा बट ये 180 डिग्री से छोटा होगा। देखिए बच्चों, जैसे मैं लिख रहा हूँ आप उसे क्लियरली समझ जाएंगे। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इससे अगर आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे हम, ये बढ़ते बढ़ते 180 डिग्री आ जाएगा, यानी कि स्ट्रेट एंगल को हम क्या बोलते हैं? 180 डिग्री बोलते हैं। ये स्ट्रेट हो गया, देखिए ये पूरा स्ट्रेट हो गया ना, स्ट्रेट एंगल 0 से 180 का। अब ये बच्चों देखिए, 180 से आगे ये एंगल बढ़ना शुरू हुआ है, और 180 से जब ये एंगल आगे बढ़ेगा और 360 के बीच कहीं भी बच्चों, यहां से यहां तक के बीच में कहीं भी अगर ये एंगल बनाता है तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल बच्चों। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, ये बच्चों मोर देन 180 डिग्री होगा और लेस देन जो है ये 360 डिग्री होता है बच्चों। ठीक है, बाद बाकी एंगल आपको पता है 0 डिग्री यहाँ पर है। ठीक है, 180 डिग्री यहाँ पर होगा, 90 डिग्री यहाँ पर होगा, जब भी ये वर्टिकल एंगल बनता है 90 डिग्री बनता है, हॉरिजेंटल एंगल ये वाला 180 डिग्री पे बनता है। ठीक है, और 360 क्या होगा बच्चों? जब 360 होगा, जब ये पूरा रोटेशन जब हो जाएगा तो 360 डिग्री बनेगा यहाँ पर। ये सारा एंगल आपको यहाँ पर क्लियर हो गया, बाकी ये 3 एंगल में बच्चों कन्फ्यूजन रहता है इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब बच्चों यहाँ पर एक नया चीज़ हम सीखने जा रहे हैं, रेडियन मेजर। एक एंगल को मेजर करने के एक और पैरामीटर हमारे पास होता है जिसे कहते हैं हम लोग यहाँ पर रेडियन। ठीक है, तो रेडियन क्या है बच्चों? ये आपको मैं क्लियरली यहाँ पर बता देता हूँ। यहाँ पर जैसे स्टार्टिंग मेरा एक सर्कल का सेंटर ओ है, और यहाँ पर एक रेडियस है मेरा ओ ए, और ओ बी भी मेरा एक रेडियस है। यहाँ पर देखिए एक चाप बन रहा है बच्चों, एक आर्क बन रहा है। ठीक है, ये ए बी एक आर्क है, ए बी क्या है? एक आर्क है। ठीक है, और ओ ए और ओ बी ये मेरा दोनों जो है रेडियस है। ठीक है, इसे हम आर मान लेते हैं। लेकिन इस डिफिनेशन के अनुसार मैं आपको बता दूं कि जब भी एक सर्कल के अंदर एक रेडियस, यानी कि ये इसका रेडियस है ओए, और एक चाप यानी कि एक आर्क जो है वे भी अगर आर के बराबर होगा तो मेरा जो एंगल यहाँ पे बनेगा बच्चों वो 1 रेडियन होगा। और रेडियन का सिंबल जो होता है बच्चों, रेडियन का सिंबल जो होता है ये स्मॉल सी लिखते हैं हम लोग कोई भी नंबर के ऊपर। जैसे मान लीजिए 1 रेडियन हमको लिखना है तो 1 के ऊपर हम लोग स्मॉल सी लिख देते हैं, वो 1 रेडियन कहलाता है। तो अगर कोई कहेगा कि 1 रेडियन क्या होता है, 1 रेडियन बच्चों ये होता है कि अगर कोई सर्कल के अंदर कोई चाप बन रहा है, कोई आर्क बन रहा है, और उस आर्क का लेंथ जो है यानी कि ए बी का जो लेंथ है अगर वो रेडियस के बराबर हो जाए तो 1 रेडियन वहां पर एंगल बनता है। ठीक है, यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि 1 रेडियन जो क्या होता है बच्चों, कि यहाँ पर आर्क लेंथ यानी कि अगर हम इसे एल मान लें और यहाँ पर रेडियस है, अगर ये दोनों अगर आर बाई आर्क मिलकर 1 हो जाए तो 1 रेडियन यहाँ पर आता है। ठीक है, तो 1 रेडियन क्या होता है बच्चों? जब भी एक आर्क का लेंथ और रेडियस का लेंथ आर सेम हो जाए तो वहाँ 1 रेडियन एंगल बनता है। ठीक है, अब रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, एंगल को कैसे कन्वर्ट करते हैं, चलिए उसे हम लोग सीख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम रिलेशन बिटवीन डिग्री और रेडियन से हम देख लेते हैं कि रिलेशन क्या होता है डिग्री और रेडियन में। ठीक है, एक सर्कल है मेरा, सर्कल का सेंटर है ओ है, यहाँ पर एक रेडियस ओ ए है, एक रेडियस मेरा ओ बी है, और यहाँ पर एक पॉइंट सी है बच्चों, और ए सी जो है मेरा एक डायमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि ए बी एक मेरा चाप है और इस चाप आर्क का जो लेंथ है वो 1 रेडियस के बराबर ही लेंथ है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूंगा एंगल ए ओ बी की, ये वाले एंगल की, तो आपको पता ऑलरेडी ये 1 रेडियन होगा। ठीक है, यानी कि एंगल ए ओ बी जो है वो कितना होगा बच्चों? 1 रेडियन होगा, क्योंकि यहाँ पर आर्क का लेंथ भी आर है और रेडियस भी आर है, तो यहाँ पर एंगल ए ओ बी क्या होगा? 1 रेडियन होगा। ठीक है, अब अगर हम बात करेंगे ये 180 डिग्री यानी कि ए ओ सी की बच्चों, ये पूरा बड़ा वाला का। ठीक है, तो एंगल ए ओ सी क्या होगा? एंगल ए ओ सी क्या होगा बच्चों? ये कितना? 180 डिग्री होगा। ठीक है, आप इसके पहले मैंने आपको बताया स्ट्रेट एंगल कितना होता है? 180 डिग्री का होता है। ठीक है, अब यहाँ ये 1 रेडियन आया कैसे? 1 रेडियन आया क्या है?
कितना चाप बना, ये चाप की बात करें तो ये आर चाप बना, आर्क एबी बना, आर्क एबी की वजह से यहां पर ये एंगल सस्टेन हुआ। ठीक है, अब ये एओसी एंगल कब बनेगा बच्चों, जब मेरा यहां पर कितना आर्क बनेगा, आर्क कौन सा होगा, आर्क होगा मेरा ए बी सी, कौन सा आर्क बना, देखिए बच्चों ये वाला ए बी सी पूरा चाप बना यहां पर, है ना, ये वाला चाप बना। तब अगर हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड करें, एक दूसरे से डिवाइड करें, तो क्या हो जाएगा यहां पर, एंगल ए ओ बी डिवाइडेड बाई एंगल ए ओ सी, ठीक है, इज इक्वल टू आर्क ए बी। आर्क ए बी का लेंथ कितना है बच्चों, आर है, ठीक है, और यहाँ पे आर्क ए बी सी यानी कि ए बी सी कितना बच्चों, हाफ सर्कल है, देखिए ये हाफ सर्कल है, तो हाफ सर्कल सर्कमफ्रेंस कितना होता है, पाई आर होता है बच्चों। टोटल सर्कल का सर्कमफ्रेंस कितना होता है, सर्कल का सर्कमफ्रेंस जो होता है 2 पाई आर होता है, ठीक है, अगर हाफ सर्कल की बात करें तो क्या हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा, ये आर आर कैंसिल हो गया, यानी कि बच गया 1 बाई पाई हो गया। ठीक है, अब ए ओ सी हमें पता है कि 180 डिग्री है, तो एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ये ए ओ सी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 1 बाई पाई इंटू एंगल ए ओ सी, देखिए ए ओ सी उधर चल गया, अब यहाँ पर 1 बाई पाई इंटू 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री बाई पाई, और ये ए ओ बी क्या है बच्चों, 1 रेडियन है, देखिए 1 रेडियन, सॉरी 1 रेडियन है। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या कंक्लूडन निकला बच्चों, ये आप सीख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि 1 रेडियन जो निकला मेरा 180 डिग्री बाई पाई होता है, यानी कि अगर मैं पाई को उधर लेके जाऊं तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, यही मेरा रिलेशन है बच्चों कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। इसी का यूज करके हम लोग काफी सारा कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, चलिए एक एग्जाम्पल लेके इसे बनाने की समझने की कोशिश करते हैं। कन्वर्ट 6 रेडियन इंटू डिग्री, हमें 6 रेडियन को यानी कि 6 रेडियन को हमें डिग्री में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो जैसे कि अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले देखा था कि बच्चों 1 रेडियन जो होता है वो कितना डिग्री होता है, 180 डिग्री बाई पाई होता है, इतना डिग्री होता है बच्चों। ठीक है, तो अगर 6 रेडियन निकालना होगा हमें तो क्या करना होगा, 6 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा, 180 बाई पाई इंटू 6 करना होगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं बच्चों, यहाँ 180 डिग्री इंटू 6 इंटू 7 बाई 22 होगा, क्यों होगा, क्योंकि पाई का वैल्यू मैंने पुट किया है, पाई का वैल्यू जो होता है 22/7 होता है, लेकिन ऑलरेडी पाई जो है नीचे है, इसलिए इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, 7/22 हो जाएगा। ठीक है, अभी इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, हम इसे 2 से काटते हैं, चलिए 2 से काटते हैं, तो ये हो गया 90 डिग्री और ये हो गया 11। ठीक है, और ये हो गया 9×54 यानी कि 540 इंटू 7/11। ठीक है, तो मैंने 540 को 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये आएगा मेरा 3780/11। ठीक है, अब इसे मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, ऑलरेडी ये डिग्री में तो आ चुका है, लेकिन इसे मुझे मिनट में और सेकंड में भी कन्वर्ट करना है बच्चों। ठीक है, तो उसे सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पर कुछ आपको चीज़ बता रहा हूँ, उसे आप नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। ठीक है, तो मिनट वाला को हमको दर्शाना है तो 1 डैश देंगे, और अगर यहाँ पर अगर सेकंड को दर्शाना तो 2 डैश देंगे हम लोग यहाँ पर बच्चों। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो अभी ये जो मेरा वैल्यू आया है, इसे ये तो डिग्री में आ चुका है, अब इसे हम मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए इसे करके देखते हैं, चूंकि ये बच्चों डिग्री में तो आ चुका है। ठीक है, डिग्री में अगर आपको आंसर निकालना तो ये मेरा आंसर आ चुका है ऑलरेडी, लेकिन हम इसे मिनट और सेकेंड में भी कन्वर्ट करेंगे। उससे पहले मुझे 3780 को मुझे 11 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम डिवाइड करते हैं, देखिए मैं नॉर्मली जैसे डिवाइड किया जाता है वही डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, 44 यहाँ पे 4 उतरा और यहाँ पे फिर 3 आएगा, 33 यानी कि रिमाइंडर मेरा बच गया 7। तो हम इसे क्या लिखेंगे बच्चे, यहाँ पर हम इसे लिखेंगे ये 343 और 7/11। ठीक है, अब देखिए ये वाला 343 जो है मेरा डिग्री में आ गया, और ये वाला जो है बच्चों मेरा मेरा मिनट में आ गया है। अब मिनट को हम फिर से इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे, सेकेंड में करना है बच्चों। ठीक है, ऑलरेडी फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यानी कि 343 तो ऑलरेडी मेरा डिग्री हो चुका है, यहाँ पर 7 × 60/11 करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि 1 मिनट में है जो 60 सेकेंड होते हैं। तो ये कितना हो गया बच्चों, देखिए 343 डिग्री, ये 42 यानी 420/11 हो गया। फिर से हम 420 को जो है यहाँ पर 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये कितना आएगा, यहाँ पर देखिए क्या बचा बच्चों,
यहाँ पर बचा है 38, देखिए यहाँ पर क्या आ गया, 38 आ गया है ना, यानी कि हम इसे क्या लिखेंगे, 343 डिग्री और 38 मिनट, और ये जो है लास्ट का 2/11, यानी कि ये वाला 2/, और ये 2/11 जो है ये मेरा क्या हो गया, सेकेंड में हो गया बच्चों। अब 2/सेकेंड को आप फिर से आप इतना भी आप आंसर लिख के छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और वर्बली इसको और ज़्यादा आपको बनाना है इसे, तो आप फिर 2/11 को फिर से 60 से मल्टीप्लाई करके आप इसके सेकेंड में अच्छी तरह से आंसर लिख सकते हैं, यानी कि 2 × 60/11, यानी कि 120/11 करना होगा हमें। ये कितना आएगा बच्चों, ये आएगा मेरा 10.9 आएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्टली आंसर क्या हो जाएगा, 343 डिग्री 38 मिनट और सेकंड में कितना हो गया, 10.9 सेकंड हो गया बच्चों, ठीक है। ये मेरा कंप्लीट आंसर यहाँ पे निकल के आ जाता है, ठीक है। तो चलिए लास्ट में बच्चों कुछ डिग्री को हम लोग रेडियन में बदलने की कोशिश करते हैं और उसे भी सीख लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए एक टेबल मैंने लिया है, यहाँ पर 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, कितना भी डिग्री का वैल्यू है आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 30 डिग्री हमको निकालना है, ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको एक कन्वर्जन बताया था कि यहाँ पर पाई रेडियन जो होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। इसमें हम लोग जस्ट उल्टा करके लिख देता हूँ मैं, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। तो 1 डिग्री क्या होगा बच्चों, ये हो जाएगा पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जितना भी डिग्री का आपको निकालना हो, मान लीजिए कि आपको 30 डिग्री का निकालना है, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 30 कर दीजिए, ठीक है। ये कट के क्या आ जाएगा बच्चों, पाई बाई 6 रेडियन हो गया। जब भी यानी कि रेडियन में हमें चेंज करना, तो पाई में उसका हमको उसका वैल्यू आना चाहिए, तभी वो रेडियन में कहलाता है, ठीक है। जैसे सपोज मान लीजिए 60 डिग्री निकालना है, तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 इंटू 60 कर देंगे, तो देखिए ये पाई बाई 3 हो गया, यानी कि पाई बाई 3 रेडियन में हो गया। यानी कि जब भी रेडियन में चेंज होगा तो पाई में उसका आंसर आ जाएगा, और पाई का वैल्यू क्या होता है बच्चों, पाई का वैल्यू होता है 22/7, ठीक है। तो क्वेश्चन बनाना बहुत ही आसान है बच्चों, मैंने आपको उसका थ्योरी बता दिया है। मान लीजिए कि 180 डिग्री है, तो नॉर्मली क्या हो गया, पाई बाई 180 डिग्री इंटू 180 डिग्री कट के हो गया, पाई रेडियन आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट करते हैं। आई होप कि आपको सारा कुछ ये समझ में आएगा, कन्वर्जन समझ में आएगा, रेडियन से आपको डिग्री में और डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस आने वाले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके और भी सवाल आपको करके दिखाऊंगा, ताकि आपका और जो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो बिल्कुल अच्छा लगा होगा बच्चों, तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब और जरूर शेयर जरूर करिएगा बच्चों। थैंक यू।